अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करूंगी, हैंड वाइटनिंग एंड फुट वाइटनिंग रेमेडी है ये। तो इसके लिए आपको रोज़ वाटर चाहिए होगा। ये है 240 ml की बोतल है मेरे पास। तो आप जितना मतलब आपको रिक्वायर्ड हो आप यूज़ कर सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी। आपको जो भी बेस्ट लगे आप वही यूज़ कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। तो ये है 240 ml का रोज़ वाटर। और ये मेरे पास है ग्लिसरीन, इसकी जो है क्वांटिटी है वो है 100 ml। और इसकी प्राइस है 80। आपको लोकल मार्केट से कहीं से भी इजीली मिल जाएंगे दोनों ही, रोज़ वाटर भी और ग्लिसरीन भी। तो बहुत ही इजी रेमेडी है, बहुत बेनिफिशियल है ये। आप इसको ईद के लिए यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके हैंड्स और फूड्स जो है बहुत अच्छा मतलब इनका रिजल्ट्स आपको देखने में मिलेगा एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही। ये नहीं मैं कहूँगी कि लगाते ही फ़ौरन ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा, किसी भी चीज़ का नहीं आता इस तरह इतनी जल्दी रिज़ल्ट। सारी नेचुरल चीज़ें हैं और बेनिफिशियल हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये लेमन जूस आपको चाहिए होगा 5 tablespoons। आप इसको निकाल कर इसमें से इसके जो बीज हैं वो अलग करके रख लें। और फिर ये आप लेमन जूस को एक बाउल ले लें, उसके अंदर ऐड करें। लेमन जो है वो भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अक्सर लोगों को अगर ये सूट कर जाए तो बहुत इसका मतलब अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसमें आपने ग्लिसरीन भी ऐड कर लेनी है अच्छी तरीके से, सारी ग्लिसरीन इसके अंदर आपने ऐड करनी है। ग्लिसरीन का ये फ़ायदा है कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देती है। ये आपके लिप्स के लिए बहुत अच्छी है अगर आप इसको लिप्स पे यूज़ करें। अगर आपके लिप्स ख़राब हैं मतलब पैची हैं आपके लिप्स, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छा मतलब अपना रिज़ल्ट देगी। इसमें आप रोज़ वाटर ऐड कर लें मिक्सचर में। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेना है। रोज़ वाटर भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये, मतलब नेचुरल चीज़ है तो इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो चीज़ें इसी तरह की यूज़ किया करें आप अपनी स्किन। बहुत अक्सर लोगों की स्किन हसास होती है, अगर कोई चीज़ इन पर रिएक्ट कर जाए तो बहुत मुश्किल से फिर वो ठीक होती है। तो इस तरह की कोई चीज़ अपनी स्किन पे यूज़ ना करें जो आपको सूट ना करे। तो ये अच्छे से मिक्स करके आप इसकी जो है अच्छा सा मिक्सचर बना लें। और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। आप इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से ये देखें अभी ये बन चुका है बिल्कुल, कोई इसमें मतलब मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने 3 चीज़ें यूज़ करनी है और उनको मिक्स करके आपने एक लोशन टाइप बना लेना है। अब इसको आपने अपने हाथों पर इस तरह लेकर अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है। तकरीबन 5 मिनट तक अपने हाथों पर आपने इसका मसाज करना है। और जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स हैं आपके हाथों पर आपके पाँव पर, वहाँ पर आपने ज़्यादा मतलब इसको अच्छे तरीके से मसाज करना है और 5 मिनट तक तकरीबन करना है। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी स्किन जो है ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। क्योंकि इस पे लेमन ऐड है तो लेमन स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत अच्छा जो है प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है लेमन स्किन के लिए। ये लिप्स के हम इसको लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, शुगर में ऐड करके शुगर इस के साथ इसका स्क्रब बना के हम अपने लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें आपने इस तरह से अपने हाथों पर और अपने पाँव पर इसका मसाज करना है। जो डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इसको जो है मसाज करना है, ताकि जो मैल है हमारे डार्क स्पॉट्स में वो ईज़िली मतलब ख़त्म हो जाए। और आप देखें इसको इस तरह से अच्छे से आपने मसाज करना है। और रात को सोते हुए आप इसको लगा लें। और बहुत ये मतलब कॉस्टली भी नहीं है, हर कोई इसको इजीली यूज़ कर सकता है, इजीली बना सकता है। ये तकरीबन 200 के अंदर अंदर आपका बन जाता है। और ये देखें ये रोज़ वाटर के बेनिफिट्स हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ग्लिसरीन के बेनिफिट्स आप देखें, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बल्कि आपकी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे फेस के लिए अच्छा होता है। और ये देखें आप इसको बनाकर इस तरह से इन्हीं दोनों बोटल्स में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये तकरीबन 2 से 3 माह आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं।
तो इजीली ये चलेगा आपका, क्योंकि थोड़ा सा यूज़ होता है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। तो रात को सोते हुए आप इसको यूज़ करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।